सबसे पहले आज मैं शुरुआत करूंगी यूडीआईडी कार्ड का क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किस कौन कौन ले सकता है यूडीआईडी कार्ड, कौन वैलिड है यूडीआईडी कार्ड के लिए, फिर हम लोग देखेंगे प्रोसीजर्स क्या है उसके लिए, और यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा तो कैसा दिखेगा वो, तो वो सारे जो पॉइंट से आज हम लोग लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ये सारा जो एक्सप्लेनेशन मैं करने वाली हूँ अभी, उसके अलावा हम लोग लास्ट में जब भी हम लोग ने आपको फॉर्म फिल करवाया था रजिस्ट्रेशन का, तब हमने बहुत सारे इसमें फॉर्म में रखे थे कि क्वेश्चंस कुछ भी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग करेंगे, ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, और उसके बाद भी अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक अभी क्लियर होगा सबको। तो मैं सबसे पहले मेरा पीपीटी शेयर करूंगी यूडीआईडी के बारे में क्या है राजस्थान का। ये देखिए, ये आज का टॉपिक है, जैसे सबको पता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, ये फुल फॉर्म है यूडीआईडी कार्ड का, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। और जब बन के आएगा तो ये यहाँ पे मैंने एक सैम्पल दिखाया है, वैसा कुछ आपको अपने घर पे मिल जाएगा। ये जो है ऐसा कुछ दिखेगा, और जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसा रहता है, वैसा ही ये छोटा सा साइज रहेगा। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यूडीआईडी कार्ड क्या है, पर उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं जो भी कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूडीआईडी कार्ड के बारे में राजस्थान के, वो सारी चीज़ हम लोग अपने वेबसाइट यानी कि www.vconnectfoundation.org पे अपलोड करेंगे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आज हम लोग जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ या उसके वर्ड फॉर्मेट में, वो सब हम लोग अपने वेबसाइट पे डालेंगे, और ये इंग्लिश हिंदी सभी लैंग्वेज में रहेगा ताकि आपको सरलता से समझ में आए, और आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगी वो आप लिख भी सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। आज की जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर कर रही हूँ, जो आज का डेट है उस हिसाब से, तो जो भी इन्फॉर्मेशंस है मैंने रिलेवेंट सोर्स से ली गई है ये सारी इन्फॉर्मेशंस। इसके अलावा अगर यहाँ पे साथ जो भी मैं शेयर कर रही हूँ उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, या मे बी टाइम के बेस पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, या मे बी अभी डिफर भी कर सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, बट मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं मेरे हिसाब से क्लियर करूँ आपका जो भी डाउट है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूडीआईडी कार्ड बनाने क्या है इंटेंशंस, हमने क्यों बनाया था, सॉरी हमने क्यों बनाना है यूडीआईडी कार्ड, और क्या है यूडीआईडी एक्चुअल में क्या है। तो यूडीआईडी कार्ड, जैसे मैंने बोला, यूडीआईडी कार्ड एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, और ये राज्यसभा में उसका बिल पास हुआ था कुछ 14 दिसंबर 2016 में, जो यूडीआईडी कार्ड के बारे में था। और इसके अंदर अलग अलग 21 टाइप की डिसेबिलिटी कवर की गई है ये जो बिल पास हुआ उसके अंदर, और ये सिंगल एक डॉक्यूमेंट है कि जो डिसेबल पर्सन को उनकी डिसेबिलिटी वेरीफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको दिखाना है कि ये पर्सन को डिसेबल, तो खाली आप अपना यूडीआईडी कार्ड दिखा देंगे तो कहीं पर भी चलेगा, क्योंकि वो पूरा सेंट्रलाइज कर चुके हैं, पूरे नेशनल लेवल पे हो चुका है ये। और ये कार्ड में जो भी डिसेबिलिटी पर्सन जो है, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं, उसमें जो भी सारे उनके जो डिटेल्स है वो सब मेंशन होते हैं ये कार्ड के अंदर, ताकि सबको समझ में आए कि ये क्या है और कितने परसेंट इनको डिसेबिलिटी है। और ये जो कार्ड है उसका एक पोर्टल भी है जो कॉमन है, बट यहाँ पे राजस्थान के लिए मैं इतना शेयर करूंगी कि यहाँ पे जो भी हो रहा है थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, जैसे सबको शायद मे भी किसी को पता हो सकता है। और ये पोर्टल जो है वो एक्चुअली गवर्नमेंट थ्रू ही चला रहे हैं, तो ये पूरा यूनिवर्सली है, तो कुछ भी अपडेटेड होता है या कुछ चेंजेस होगा तो सब अपने आप चेंजेस हो जाते हैं, कंप्यूटराइज है ये पूरा। अभी देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है यूडीआईडी के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन कर सकता है। तो जिस जो पर्सन को डिसेबिलिटी है वो कर सकता है, बट ये यहाँ पे हमारे केस में हमारे बच्चों को 60 dB या 60 dB से ज़्यादा का हियरिंग लॉस है तो वो कर सकते हैं।
इसके अलावा जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले का ऑलरेडी बना हुआ है, जो हम लोग पहले हॉस्पिटल जाके बनाते थे ओल्ड फॉर्मेट, वो सारा वो लोग जिसके पास ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी वापस अप्लाई कर सकता है यूडीआईडी कार्ड। और अभी जो मैं एक यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग जो पहले बनाते थे उसका फॉर्मेट अभी चेंज हो चुका है। अभी ऐसा जो मैंने यहाँ पे एक सिंबल दिखाया है स्वावलंबन का, तो ये ऐसा कुछ सिंबल के साथ प्रिंट करके आएगा, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप जो वापस नया बना रहे हैं तो उसमें ये सिंबल बन के आना है, ये सिंबल साथ में आना है, मतलब आपका नया फॉर्मेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। मतलब आप यूडीआईडी के लिए जब भी अप्लाई कर रहे हैं तभी आप साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो नए फॉर्मेट में उसके लिए भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी दोनों चीज़ एक साथ बन के आ जाए। तो ये एक हुआ डिसेबिलिटी जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है तो उस वो भी अप्लाई कर पाएगा यूडीआईडी प्लस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। और इसके अलावा जिसके सपोज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो प्रोसेस में है और अभी तक नहीं आया है, तो आप यूडीआईडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो मेरा ये है कि जिसको टेम्पररी हो सर्टिफिकेट और वापस उसका एक्सपायरी हो चुका है, मान लो 5 साल, और वापस अप्लाई करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यूडीआईडी आप बना सकते हैं उस केस में भी। इसके अलावा ये था कि इसके अलावा अगर पर्सन को कुछ रिजेक्शंस हुए, जो अभी सेंड किए जो सारे डेटास और ये नहीं आए, रिजेक्शंस हो चुके हैं, उनके केस में भी वापस अप्लाई कर सकते हैं यूडीआईडी के लिए। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि यूडीआईडी कार्ड हमें मिल रहा। हाँ, तो हमने ये देखा कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है जो लोग इस अंदर आ रहे, ये सारे पॉइंट्स के अंदर आ रहे, वो सब अप्लाई कर सकते। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे बच्चे को या जो हमारा कंसर्न है उनको 60 dB या उससे ज़्यादा का लॉस होगा तो ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। खाली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फायदे क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो सबसे पहले ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वहाँ से एक फॉर्म लेते थे जो फिल करते थे फिर वापस देने जाते थे, वो यहाँ पे नहीं होना है, हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कहीं अगर ट्रैवल कर रहे या कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे, स्कूल में जा रहे, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करते थे, तो यहाँ पे अगर यूडीआईडी कार्ड हमारा बन चुका है तो यूडीआईडी कार्ड का प्रिंट हम लोग देके तुरंत ही हम लोग अपना वो सारे कंसेशंस हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी है। और एक सेकेंड जो है वो कि वो इजीली डिकोड कर सकते हैं, मतलब अगर जो कहीं गवर्नमेंट एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रिजर्वेशन कोटा के अंदर, तो वहाँ पे डिकोड वाला कहानी रहेगा, तो वो लोग इजीली अपने सिस्टम में अपना कार्ड चेक करके वो देख सकते हैं कि हाँ बाबा इनको इतने परसेंट का डिसेबिलिटी है। और एक है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये कुछ साइज भी क्रेडिट कार्ड जितना है, ताकि हमें ले जाने में कहीं आ जाने में इजीली हम लोग कैरी कर पाए। उसके अलावा हाँ, ये जो डिसेबिलिटी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड है, वो पूरे इंडिया में वैलिड है, तो एक ये भी एक रीज़न है कि जो बेनिफिट दे रहा है हमें यहाँ पे। और जैसे पहले भी मैंने ये बोला था कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी क्या कि मान लो कि अभी आप राजस्थान में रह रहे हैं और अगर किसी को ट्रांसफ़र हुआ या जॉब कहीं गए या कहीं बिजनेस कहीं और स्टेट में सेटअप किया आपने, तो वहाँ पे जैसे पहले हम लोग बनाते थे तभी कैसा होता था कि यूडीआईडी कार्ड जब नहीं था तभी पुराना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग कहीं और स्टेट में लेके जाते थे ना, तो वैलिड नहीं मानते थे कोई कोई स्टेट्स वाले, तो यहाँ पे ये इश्यूज नहीं आएंगे। तो हमारा जो यूडीआईडी कार्ड है कोई भी स्टेट में आप लेके जाओ बट वैलिड ही माना जाएगा, आपको वापस वो स्टेट में वापस वो पूरा प्रोसीजर्स करने नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम जो है ये पूरा ऑनलाइन हो रहा है, ये पूरा सिस्टम या पूरा फॉर्म हम लोग फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा गवर्नमेंट की साइड से तो अपने आप वहाँ पे अपडेट हो जाना है।
तो ये भी एक पॉइंट है, और डुप्लीकेट होने का भी कोई चांस नहीं होगा क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है ये चीज़ें। इसके अलावा जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्क्रीन स्लाइड था ये पीपीटी का, तो मैंने कॉर्नर में आपको दिखाया था कि यूडीआईडी कैसा दिखेगा, तो वहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिप था ब्लू कलर का, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन को 80% से ज़्यादा, मतलब 80% से भी ज़्यादा का लॉस है उसको, डिसेबिलिटी। तो वैसे ही हमें अलग अलग कलर आइडेंटिफाई यहाँ पे रखा है उसके लिए कि जिसको सपोज मान लो यहाँ पे 40% का लॉस हो जिसको, उसको व्हाइट कलर का स्ट्रिप दिया गया है, और 40 to 80 के बीच में अगर आ रहा है तो येलो कलर का स्ट्रिप है। अगर आपको देखना है तो मैं एंड में आपको दिखा सकती हूँ वापस भी कि कैसा दिखेगा ये स्ट्रिप। और जैसे मैंने कहा 80 से ज़्यादा का लॉस है तो ब्लू कलर का होगा, जैसे हमने सैंपल में रखा है वो ब्लू कलर का है, लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको कार्ड के लेफ्ट में साइड में वर्टिकल एक खड़ा पट्टी है व्हाइट कलर ब्लू कलर का वो है। तो ये है। इसके अलावा ये मैंने जैसे कहा कि ये बेनिफिट्स लेने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स है। अगर मान लो आपको रेलवे में कंसेशंस चाहिए या बोर्ड में, ऐसे महाराष्ट्र ये क्या राजस्थान बोर्ड में चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में कंसेशंस चाहिए, तो आप खाली यूडीआईडी कार्ड का जो प्रिंट है या वो अटैच कर देंगे साथ में, तो आपके सारे बेनिफिट्स मिलने हैं, सारे कंसेशंस मिलने हैं। इसके अलावा रेलवे में भी सेम चीज़ हो रही है, और यहाँ लोकलाइज जो बस है राजस्थान की बसेस है, फिर आपके सिटी के अंदर जो सिटी बस चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको कंसेशंस चाहिए, तो सब के लिए आपको खाली यूडीआईडी कार्ड का प्रिंट देना पड़ेगा, एक जेरोक्स आपको अटैच करना पड़ेगा। और ये बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी डाउट्स हो तो आप लिख लीजिए, आप ये वेबिनार के एंड में पूछ सकते हैं। आई थिंक ये बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे इतना ही था। और मैंने अभी यहाँ पे जैसे हम लोग को अप्लाई करना है यूडीआईडी के लिए, तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये है कि एक सेफर साइड, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि सेफर साइड सपोज आप ऐड कर रहे हैं जहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे ना हो, तो एक सेफर साइड आप कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो फोटो है, रिसेंट फोटो, तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ जो है वो एक एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा, पर मैं जस्ट ये एक आपको बना के रखना है सेफर साइड पीडीएफ, जिसका एक कुछ रेंज है इतने केबी के बीच में होना चाहिए, 15 KB to 30 KB के बीच में। और ये रिसेंट कलर जो फोटो है आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखना। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर ये भी एक्स्ट्रा है क्योंकि ये आप राजस्थान के केस में कुछ अलग सा है कि ये दोनों चीज़ बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, आपका भामाशाह आईडी होगा तो यहाँ पे ये दोनों एक्स्ट्रा है, बट सेफर साइड आप रख लो, सपोज नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे आ जाना है। और कुछ ये भी साइज उसका फिक्स है, इसके बीच में ही होना चाहिए पीडीएफ। और नेक्स्ट है वो डोमिसिल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डोमिसिल सर्टिफिकेट ना हो, मूल निवास पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो अगर अगर ये नहीं है तो आप वाटर कार्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेशन कार्ड, ये सब की साइज भी मैंने देखे रखी है, तो आप इसमें से कोई भी एक या फिर मूल निवास पत्र ये भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो कंपलसरी अटैच करना है। तो मैंने जैसे बोला ये दोनों खाली सेफर साइट के लिए आप रख लो पीडीएफ बना के, बट ये तो आपको करना ही है, ये आपको मैं जब भी प्रोसेस समझाऊंगी तभी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे ये अटैच करना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, वो नेसेसरी है, हमें अटैच करना पड़ेगा। इसके अलावा जन आधार कार्ड हमारा जो अपडेटेड होना चाहिए, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना भी सकते हैं पहले, फिर आप यूडीआईडी के लिए स्टार्ट करें प्रोसेस। तो जन आधार कार्ड आपने बना लिया मान लो, तो और वो भी बैंक के साथ लिंक अप होना चाहिए, और वो आधार कार्ड जो आप जन आधार कार्ड बना रहे हैं वो आधार कार्ड से लिंक होके बैंक से लिंक हो रहा है, तो ये भी कुछ ये साइज होना चाहिए, 512 KB से कम होना चाहिए साइज उसका। फिर नेक्स्ट जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, ये 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट का भी एक
फॉर्मेट मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है यहाँ पे फोटो, कि ये कैसा दिखेगा और कैसे उसको फिल करना है या क्या करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट का भी एक आपको प्रिंट निकाल लेना है, फिल करके पूरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से साइन भी कराना है। खाली फिल नहीं करेंगे, उसको आपको साइन भी करवाना है, जो रिलेवेंट पर्सन है। वहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं कि आपको किस किस के साइन आप करवा सकते हैं ये इनकम सर्टिफिकेट के नीचे। तो मैं आपको जब भी शेयर करूंगी तभी आपको दिखा दूंगी कि क्या है। तो ये कुछ 512 का ये है साइज है उसका। फिर इसके अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ये दोनों जो लास्ट में है, ये आइडेंटिटी वाला, ये भी आपको एक सेफर साइड रखना है। सपोज कुछ आया ऑप्शन तो आपको डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट में है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। मान लो जिसके पास पुराना वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो कर सकते हैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके रख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए पेरेंट हैं जिनके पास पुराना कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं है ये बनाने की, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास नहीं होगा पुराना वाला, तो आप नहीं करेंगे अटैच वहाँ पे। वो कंपलसरी में नहीं है ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना। आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर एंड में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ थोड़ा सा अलग जा रहा है अदर स्टेट से, राजस्थान का फॉर्मेट। राजस्थान में एसएपी नंबर आता है, तो ये कैसे निकालते पहले? ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि किसी के पास, मोस्टली पेरेंट्स के पास मे भी होगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है कि कैसे ये निकालते हैं। तो सैप नंबर कैसे निकालते हैं? तो हमें sso.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एसएपी नंबर लेना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in इसके ऊपर जाके हमें क्या करना है, हमारा एक अकाउंट ओपन करना है एसएसओ पे। ये राजस्थान का वेबसाइट है। तो इसके बाद हमें उसमें लॉगिन करके हमें क्या करना है, अपना बर्थडे डाल के अपडेट कर देना, ताकि हमारा एक वहाँ पे एक अकाउंट ओपन हो जाए एसएसओ में। फिर हमें बनाना है भामाशाह फैमिली आईडी। तो ये भी हम लोग एसएसओ आईडी पे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो बहुत सारे टैब दिखेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन है भामाशाह फैमिली आईडी। तो ये आप फैमिली आईडी भी आप अपने बना सकते हैं, अपना सारा डिटेल वहाँ पे डाल के। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ई मित्र पे, और ये भी आपको एसएसओ आईडी पे ही। मैंने बोला कि एसएसओ आईडी पे बहुत सारे छोटे छोटे टैब हैं, तो बहुत सारे आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं, तो ये सारे उसमें आप नीचे देख सकते हैं। किसी में भामाशाह फैमिली आईडी होगा, एक जो है वो उस पे ऊपर क्लिक करके आप फैमिली आईडी बना लीजिए पहले। फिर आप ई मित्र पे जाके अपना वहाँ पे, वो भी एसएसओ आईडी में ही मिलेगा, और वो भी अपडेट कर दीजिए आपका सारा भी डेटा, जो भी आप वहाँ पे मैंडेटरी डेटा है, जिसको स्टार्स मार्क करते हैं, स्टार्स छोटा सा ऐसा लगा रहता है, तो वो सारे जो डिटेल्स है वहाँ पे ई मित्र पे भर के आप उसको अपडेट कर लीजिए। ये होने के बाद आपको ई मित्र को, अगर ई मित्र पे आपने लॉगिन कर दिया, आपने अपडेट कर दिया है, फिर आपकी रियल जो यूडीआईडी के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ई मित्र पे जैसे ही आपने अपना एक अकाउंट बना दिया, अपना डिटेल्स डाल दिया, आपने अपडेट कर दिया, फिर आपको वही यूज करके, वही ईमेल आई सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा, ई मित्र पे आपका कोई लॉग इन आईडी रहेगा, तो वही यूज करके आपको क्या करना है, ई मित्र पे लॉग इन कर देना, ठीक है। उसके बाद आप अपना एसजीई नंबर, जो आपको ईमेल आईडी या तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आया होगा रजिस्ट्रेशन एसजीई, वो आपने डालना है, मतलब भामाशाह आईडी, जहाँ पे मैं आगे समझाती हूँ कैसे जा रहा है वो। तो एसजीई जैसे ही आप कैसे करेंगे उसको, ई मित्र पे सबसे पहले गए, ओके, वहां पे आपको साइड में एक सर्विसेज नाम का एक टैब दिखेगा, उसमें अवेल सर्विसेज में जाएंगे, फिर यूटिलिटी में जाएंगे, और फिर वहां पे हमारा एसजीई नंबर लिखेंगे। और एसजी लिखने के बाद हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे जाके हमारा, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूडीआईडी के लिए, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे जाना। मान लो अपने पास ऑलरेडी पुराना वाला डिसेबिलिटी है, पुराना वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, फिर भी आप यूडीआईडी के लिए तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है।
आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जाना है। इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, और ये फॉर्म का एक मैंने एक दिखाना है कि क्या है वो। तो ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप जाएंगे एक बड़ा सा फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गए, मैंने ई मित्र पे आप गए, फिर आपने ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, और एक टैब एक ओपन होगा विंडो, वहाँ पे सबसे पहले आपको भामाशाह ऑथेंटिफिकेशन देना होगा। वहाँ पे क्या करेंगे आप, जन आधार नंबर यानी कि भामाशाह फैमिली आईडी डालेंगे। एक एक लंबा सा टैब बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको भामाशाह फैमिली आईडी डालना पड़ेगा। और हमें वहाँ पे फैमिली आईडी डालने के बाद वैलिडेट, वहाँ एक टैब होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को एक हमारे घर के जो भी मेंबर्स है उसमें, जो भामाशाह फैमिली आईडी में हमने बनाते टाइम पे हमारे घर के सारे मेंबर्स उसमें डाल के रखे हैं, वो सारे मेंबर्स के नाम वहाँ पे दिखेंगे। वैलिड डेट जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको सारे फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम दिखेंगे, ठीक है। उसमें आपको जिस भी कौन से भी व्यक्ति का जिसका आपको बनाना है यूडी आईडी उसके ऊपर क्लिक करना है, और मतलब उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका भामाशाह फैमिली आईडी अगर अपडेट नहीं है, मतलब आपका आधार नंबर आपका जुड़ा नहीं है उसके साथ, तो आपको ये पर्सन, सपोज मान लो जिस पर्सन का नहीं जुड़ा है उसका दिखाएगा नहीं, उसका क्रॉस में आएगा, लाल कलर के इस पे क्रॉस आ जाएगा नाम के ऊपर। तो आपको पहले क्या करना है, भामाशाह जो फैमिली आईडी है उस पे आपको आधार कार्ड, जो पर्सन का यूडी आईडी निकालना है वो पर्सन के आधार कार्ड को अपडेट करवाना है भामाशाह फैमिली आईडी, ठीक है। ये अपडेट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे भामाशाह ऑथेंटिफिकेशन में जाएंगे तो क्या होना है कि आपका वो जो मेंबर है जिसका आपको यूडी आईडी बनाना है वो दिखेगा, ठीक है। उसको क्लिक करेंगे, वो पर्सन को खाली क्लिक करेंगे, पूरे फैमिली मेंबर्स को क्लिक नहीं करेंगे, जिसका यूडी आईडी बनाना है खाली उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, जैसे ही आपने वहाँ पे वो पर्सन को क्लिक करके ओके करा तो तुरंत ही एक न्यू पूरा विंडो ओपन होना है, वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होना है। तो फर्स्ट टैब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इन केस ऑफ यूडीआईडी, जब भी हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सार कुछ, सपोज आपके नाम है या आपके पेरेंट्स के बच्चों का नाम है, जो भी है डिटेल्स आपने जो भामाशाह फैमिली आईडी में डाले थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और मान लो कुछ कुछ डिटेल मिसिंग है या जो अवेलेबल है वो तो ठीक है, पर जहाँ पे ऐसा कुछ मार्क है एस्ट्रिक साइन ऐसा स्टार वाला, तो वो सारे जो भी टैब है या सारी डिटेल्स है वो आपको भर देनी है। वो सारे डिटेल्स में आपको कुछ भी बाकी रखना नहीं है, सब सब डिटेल्स आप भर देंगे। उसके अलावा ये अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें आपका अपने सपोज मान लो आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप बच्चे के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सबका नाम होना है यहाँ पे, नाम होगा, फिर उनके कितने बैंक के अकाउंट है या तो कितना वहाँ कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं, सब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में होगा। यहाँ पे आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स होंगे, कितने आप यो एज के हो, फिर आपको हिंदू हो या आपके कौन कास्ट है, वो कुछ कुछ डिटेल्स आप जैसे ही ये ओपन करेंगे तो आपको सब चीजें दिखेगी कि क्या क्या यहाँ पे आपको फिल करना। पर ध्यान रहे कि ये साइन वाले जो भी है डिटेल्स वो आपको भर देना है, ये जो एस्ट्रिक साइन है या स्टार जैसा कुछ दिखा है ऐसा फ्लावर जैसा, तो सारा आपको भर देना है। इसके अलावा जो पर्सनल डिटेल्स सारा भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तुरंत आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके आपका घर का एड्रेस आपको वहाँ पे फिल करना है, उसके रिलेटेड घर से रिलेटेड जो भी आपका तहसील कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका स्टेट क्या है, आपका जिला क्या है, जो भी सारे भी डिटेल्स आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन में भर देना है। और आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर सपोज कुछ और है, उसका परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, तो मान लो आपका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है तो वो एड्रेस भी आपको देना है, क्योंकि लास्ट में जब भी आप यूडी आईडी कार्ड के लिए ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपका ये सारा डिटेल्स हो जाना है, आपका चेकिंग हो जाना है, फिर आपको यूडी आईडी कार्ड आपके दिए गए एड्रेस पे सेंड होगा पोस्ट से, तो आपको ध्यान से एड्रेस भरना है, कुछ भी गड़बड़ ना हो, ताकि आपका यूडी आईडी कार्ड प्रॉपर वे से आपके घर पे सेफली पहुंच जाए।
एक बार आपने ये सारा कर दिया तो आपको नेक्स्ट स्टेप आ रहा है फोर्थ नंबर पे, वो कौन सा है? अटैचमेंट, मतलब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, तो आपको वो तो कंपलसरी अटैच करना है, और उसका साइज 512 KB से छोटा होना चाहिए, वो PDF का साइज, ठीक है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। इनकम सर्टिफिकेट का भी साइज 512 KB से छोटा होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं। और मैं एक यहाँ पे एक पॉज लेके आपको दिखा देती हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा। देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक सैंपल रखा है कि ऐसा कुछ होगा। आयकर जो सर्टिफिकेट रहता है ना, आयकर पत्र, प्रमाण पत्र, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको जो पार्थिव का नाम, आपके पिताजी का नाम, मतलब जो भी सारा डिटेल्स है यहाँ पे भर के देखिए। यहाँ पे हस्ताक्षर ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे एक शायद ये एक्चुअली ये थोड़ा सा स्प्रेड हो चुका है, तो शायद क्लियर ना दिखे, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कि विधानसभा के जिला प्रमुख, या बहुत सारा देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, वो किसी एक पर्सन का साइन आपको यहाँ लेना है, ठीक है। ये होने के बाद ये जो उसके पत्नी है, अगर अगर पत्नी को ये है तो आपको उनका भी सब डिटेल्स डाल देना है, और यहाँ पे फिर वापस उनके साइन जो यहाँ पे जो ये जो है आयकर अधिकारी है वहाँ इनका साइन लगेगा। तो यहाँ पे सब दिए कि जिला मजिस्ट्रेट का लगेगा, तहसीलदार का लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारा देखो ऑप्शंस दिए हैं। तो जब भी आप आयकर ऐसा फॉर्म लेंगे ना, प्रिंट डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके एक ले लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, और हार्ड कॉपी में ये यहाँ पे आप स्टैम्प्स और उनके साइन वगैरह आप ले लीजिए। और ये चीज एक बार ले लिए तो आपको क्या करना है, इसका सॉफ्ट कॉपी वापस, सिग्नेचर और सब ले लिया, स्टैम्प ले लिया, सिग्नेचर, फिर आपको वापस इसको स्कैन करके इसको PDF फॉर्मेट में बना देना है, ताकि एक फुल फिल पूरा फिल करके इनकम टैक्स का आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाए, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है, क्या है कि यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कर दिए, डेटा सॉरी डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिए हैं, तो वापस एक बार मेरी एक एडवाइस होगी कि आप पूरा डिटेल वापस चेक कर लीजिए कि आपका कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो चुके, आप कुछ भूल तो नहीं गए। बट एक बार जैसे आपने सबमिट कर दिया तो कुछ नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक बार कंप्लीट करने और सबमिट करने से पहले आप एक बार सारा के सारा चेक कर लीजिए। और अदर इन्फॉर्मेशंस एक टैब होगा, वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ डिटेल्स भरनी है। जैसे उसके बाद अटैचमेंट के बाद एक लास्ट टैब है अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन टैब में जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे के सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड डिटेल्स हैं। मतलब यहाँ पे आपको सपोज कोई पर्सन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पर्सन को कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है, कब से है वो डिसेबिलिटी, बाय बॉर्न है या कुछ एक्सीडेंटल हुआ तब हुआ, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे पूछे गए हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स के टैब के अंदर। मतलब अदर इन्फॉर्मेशन जो आप टैब है उसके अंदर ये सारा चीज़ है। तो ये ध्यान से आप भर दीजिए क्या क्या है डिसेबिलिटीज, और चेक मार्क्स है ऐसे बॉक्स दिए हैं और ऑलरेडी लिख के रखे हैं बहुत सारे डिसेबिलिटीज, खाली आपको रीड करना है, और जहाँ जहाँ आपके रिलेवेंट डिसेबिलिटीज आ रहे हैं वहाँ पे आपको चेक करना है, टिक करना है, बस और कुछ नहीं है। और सारा का सारा ध्यान से देख लेना है, और कुछ भी चेंजेस करना है तो प्रीवियस टैब है बाजू में, वहाँ पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और एक बार आपने सारा चेक कर लिया फिर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट बटन का एक टैब है, वो क्लिक करें और पूरा सबमिट कर दीजिए आपका पूरा फॉर्म। और जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करते हैं ये फॉर्म पूरा, तो एक विंडो ओपन होगा। फिर मैं आगे का प्रोसेस समझाती हूँ क्या है, बट कैसे जा रही है चीज़ें। बट उसके पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ कि हाँ देखिए, ऐसा कुछ आएगा जैसे ही आप अपलोड कर दीजिए सारा चीज, सबमिट कर दिया आपने तो कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाना है। फिर देखिए यहाँ पे एक एक्शन ऐसा लिखा है और कुछ आई जैसा कुछ सिंबल दिखा है। तो ये है ना, कैसे आएगा ये विंडो, कैसे आएगा, जैसे आप सबमिट करेंगे तुरंत ही ये विंडो आ जाना है, तुरंत ही ये विंडो आएगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि किसी किसी पर्सन के नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो ये जो उनके SAP नंबर है, SAP नंबर, तो ये जो
आपका नाम आपको दिखना है, मान लीजिए कहीं पे आपको दिखा आपका नाम, सपोज यहाँ पे, तो यहाँ दिखा रहा है देखो पेंडिंग विथ पीएमओ और ऐसे, तो आपका अभी जांच करना मतलब आपका चेकिंग होना, आपको कितने परसेंट डिसेबिलिटी हो चेक करना बाकी, ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो साइन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आई जैसा दिया है, आंख जैसा साइन है, तो यहाँ पे एक्शन बटन पे आप जैसे ये साइन पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो अभी जो भरा फॉर्म वो सारा का सारा फॉर्म आपको दिखेगा, आपने जो डिटेल्स भरे हैं वो सारा दिखेगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे जाएंगे तो आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको जाके डाउनलोड कर लेना है वो पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है, आपने जो फिल किया है वो पूरा फॉर्म विथ आपके पूरे डिटेल्स के साथ, वो आपको पूरा डाउनलोड करके उसका सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखो और उसको हार्ड कॉपी में एक प्रिंट ले लो सारे के सारे पेपर्स के, सारे के सारा फॉर्म के। और इसके अलावा जो हमने अटैच किए सारे डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच किया हमने, इनकम सर्टिफिकेट अटैच किए, तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे आप प्रिंट ले लीजिए, सबके जेरोक्स निकाल लीजिए, ठीक है। जेरोक्स निकालने के बाद आपका जो ये फॉर्म था फिलिंग किया हुआ वो फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक सो क्लियर होगा, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप साथ में लिख जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया सारा के सारा फॉर्म, और आपने क्या किया कि सारे फॉर्म के प्रिंट भी ले लिए, आपने जो अटैच किए थे डॉक्यूमेंट्स उसके भी प्रिंट ले लिया और पूरा क्लिप करके आपने सेट रेडी कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपना यहाँ से थोड़ा सा हमारा घर का काम खत्म हुआ है, मतलब आप ऑनलाइन वाला प्रोसेस खत्म हुआ है, यहाँ तक आपने एक पूरा फॉर्म भर दिया है, फॉर्म के सारे डिटेल्स आ चुके हैं हमारे हार्ड कॉपी में, इसके अलावा हमने जो अटैच किए उसके भी प्रिंट हमने अटैच कर दिए हैं साथ में, एक हमारा सेट हो चुका है रेडी। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, रूरल एरिया है या तो अर्बन एरिया, अर्बन इन द सेंस हमारा ये विलेज एरिया होगा और ये शहर वाले होंगे, तो जो विलेज एरिया के सारे जो डिटेल्स है जो भी हमने एप्लीकेशंस किए हैं ये कुछ फॉरवर्ड होंगे BCMHO को, मतलब ब्लॉक चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स। ये हमारा डेटा जैसे सबमिट किया, डेटा कहाँ गया, मान लीजिए आप विलेज से बिलोंग कर रहे, कोई भी राजस्थान का कोई भी छोटा सा विलेज से बिलोंग कर, तो पूरा डिटेल जा रहा है ब्लॉक चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के पास। और आप कहीं जयपुर या कोई सिटी से बिलोंग कर रहे हैं कोई भी सिटी से, तो आपका जा रहा है पीएमओ के पास, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जो सबमिट आपने किया। तो ये जो है यहाँ पे हमारा जो सॉफ्ट कॉपी है सबमिट होके ये दोनों अलग अलग एरिया के वाइज उनको दे दिए हैं, तो उस हिसाब से वहाँ सबमिट हो जाएगा अपने आप क्योंकि हमने सबमिट दबा दिया। अभी हमें क्या करना है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे या तो हमने जो फॉर्म फिल किए वो सब के सब चीज़ें लेके हमें क्या जाना है, हमें ये जो हमारा रिलेवेंट हॉस्पिटल है, मतलब अपने एरिया के जो भी सिविल हॉस्पिटल आ रहे हैं आपके नियर बाय, वहाँ पे आपको विजिट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपने विजिट किया तो क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ यहाँ मैंने दिया है कि वो लोग क्या करेंगे, हमारा एक डायग्नोसिस करेंगे, मतलब हमारे बच्चे को या तो जो भी पर्सन का UDID निकालना है उनको चेक करेंगे कि उनको कितने पर्सन डिसेबिलिटी है। हमारे ये जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है, कहीं पर भी आप मत जाइए, सिविल हॉस्पिटल में ही जाना है, तो यहाँ आप जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे का चेक करेंगे उनको कितने पर्सन डिसेबिलिटी है, तो ये डिसेबिलिटी एक बार चेक होने के बाद हमारा डेटा आगे जाएगा और हमारा रिपोर्ट हमें दे देंगे कि बाबा इनको इतने पर्सन का डिसेबिलिटी है। और अगर हमने कुछ भी रॉन्ग फिल कर दिया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो क्या हो जाना है, हमारा जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट बनेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है फिलिंग। तो एक फिल करते टाइम से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर किसी को क्या हो रहा है कि कुछ आप गए हॉस्पिटल में और मान लीजिए स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है ENT डॉक्टर है वो टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमें भेज सकते हैं रिलेवेंट मेडिकल कॉलेज फॉर डायग्नोसिस, मतलब चेकिंग के लिए, हमारा ये बच्चे को चेक करेंगे कि कितना परसेंट डिसेबिलिटी है उस
तो यहाँ एक ये केस बनेगा, बट बहुत रेयर केस में ये होना है। मोस्टली ईएनटी होते ही है प्रेजेंट, और इन केस नहीं हुआ तो वो फॉरवर्ड कर सकते, हमें भेज सकते कहीं और। तो एक यहाँ एक चांस है ये चीज़ों का, बट टेंशन नहीं लेंगे, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमने सपोज हमारा सब सही जा रहा है और हमारे बच्चे का चेकिंग हो चुका है, डायग्नोसिस हो चुका है, बच्चे को चेक हो चुका है कि कितने परसेंट का डिसेबिलिटी है, और ये कुछ आया मान लीजिए 40 और मोर देन 40 आया उसका डिसेबिलिटी का, ठीक है। तो हमें हम लोग एलिजिबल है, हमारा 40% से ज़्यादा होगा तो ही हम यूडीआईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा डेटा कहाँ जा रहा है, CMHO मतलब चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के पास जाएगा। हमारा चेकिंग होने के बाद हमारा डेटा कहाँ जाएगा, CMHO के पास, मतलब चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। और वो हमारे लिए हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, CMHO हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। अगर मान लीजिए अगर हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में हमारा डायग्नोसिस ऐसे आया कि लेस देन 40%, मतलब 40% से कम आया डिसेबिलिटी, तो हमारा नहीं बनेगा यूडीआईडी कार्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला है कि हमारे बच्चे को 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो हमारा स्मूथली प्रोसेस आगे जाने वाला है। अगर हाँ ये आगे गए फिर क्या होगा कि हमें ये जो CMHO है हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें दे देंगे। कैसे देंगे, हाथ पे नहीं देंगे, वो खाली रिपोर्ट देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है। तो कैसे जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था ई मित्र पे वो कुछ आई आई जैसा सिंबल था, वहां से हमने अपना फॉर्म डाउनलोड किया था, ठीक है। तो वहां वापस जाएंगे, ई मित्र पे वापस जाएंगे और हमारा स्टेटस देखेंगे कि हमारा स्टेटस कहाँ पे पहुंचा है, ये हमारा डायग्नोसिस सारे हो चुके हैं, सब प्रोसेस हो चुका है। फिर हम लोग वापस जब भी वो डॉक्टर से हम लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग कब चेक करें, कब तक हो जाना है ये। और अगर मान लीजिए उन्होंने 15 दिन दे दिया है और हम लोग चेक कर रहे हैं आफ्टर 15 डेज, तो स्टेटस दिखाई देगा, आपको क्लियर कट समझाएगा। मैं वापस दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा, वो देखा होगा आपने शायद ध्यान से, तो किसी को किसी किसी को ऐसा कुछ सिंबल था आई थिंक सो। मैंने बहुत आगे चले गए क्या, यहाँ पे देखिए कैसा है, यूडीआईडी कार्ड इश्यूड ऐसा लिखा है देखिए यहाँ पे। तो पेंडिंग रहेगा तो ऐसा कुछ दिखाएगा स्टेटस, ऐसा कुछ आना है। तो यूडीआईडी कार्ड इश्यूड ऐसा कुछ आया मतलब हमारा यूडीआईडी कार्ड भी इश्यू हो चुका है, उसका मतलब ये है कि हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी रेडी हो चुका है। तो आप वापस यही आइकन पे जाएंगे और क्या करेंगे, वापस हमारा वही फॉर्म दिखेगा, ठीक है। आप स्क्रॉल करके नीचे जाए, नीचे जाए एकदम लास्ट में जाएंगे लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड में दिखेगा नीचे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड, और डाउनलोड का वो छोटा सा एरो रहेगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि यूडीआईडी के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड आपको आपके दिए गए एड्रेस पे भेजे जाएंगे। तो ये जो CMHO ऑफिस से भेजे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको खाली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वहाँ से। तो आई थिंक सो ये यूडीआईडी का क्या था कि सर्टिफिकेट आ चुका है, बट यूडीआईडी कार्ड हमें घर पे आएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि हमें हॉस्पिटल पे पहुंचना नहीं है हमारा टाइम और उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। खाली हम लोग एक कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अभी के लिए कोरोना का कंडीशंस चल रहे हैं, तो कंफर्म कर लीजिए कि क्या है अभी के लिए, कुछ चेंजेस तो नहीं, जनरली ये हो रहा है बट मे बी वो चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी के सिनेरियो में कुछ कुछ चीजें चेंज होती जा रही है। तो खाली एक कंफर्म कर लीजिए कि यूडीआईडी हमारा घर पे आ जाएगा या नहीं, या हमें यहाँ पे आके लेना, क्योंकि मैंने बहुत अदर स्टेट्स में भी वेबिनार्स लिए यूडीआईडी के, तो वहाँ पे यही हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में भेजे जा रहे हैं यूडीआईडी कार्ड। तो कभी ऐसा भी, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि घर पे नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी तक, इतना टाइम हो चुका है अभी तक क्यों नहीं आया। तो कुछ मुझे ऐसा कुछ अलग अलग स्टेट्स में ऐसे मिलना है जानने में कि जहाँ पे हमने डायग्नोसिस करवाया, हमारे बच्चे का चेकअप करवाया है, वहाँ पे जा रहे हैं सर्टिफिकेट्स, हमारे यूडीआईडी कार्ड। तो आप खाली एक बार कंफर्म कर लीजिए हॉस्पिटल से निकलने से पहले कि हमारा यूडीआईडी कार्ड घर पे आ रहा है ये टाइम पे, या फिर हमें यहाँ आना है,
खाली चेक करना है और कुछ नहीं है। एज पर अदर स्टेट्स मैंने खाली आपके साथ ये चीज शेयर की है, राजस्थान का आप चेक कर सकते हैं क्या है अभी के लिए, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है कि कैसा दिख रहा है हमारा स्टेटस, जिसको अगर मान लीजिए किसी किसी को ऐसा है तो देखो पेंडिंग है स्टेटस, ऐसा कुछ दिखाएगा जिसका बाकी है डायग्नोसिस का, ठीक है। तो ये हो चुका है, फिर हमारा एक सैंपल फॉर्मेट आ रहा है। देखिए पहले हमने है ना ये ऐसा कुछ मिलता था पहले के जमाने में, अभी तो यूडीआईडी आ चुका है। तो यूडीआईडी मैंने बोला यूडीआईडी कार्ड ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे मैंने बोला था स्ट्रिप्स दिखते हैं ऐसे ब्लू कलर के, देखो ये यहाँ पे रहेगा स्ट्रिप। और वैलिडिटी भी यहाँ पे दी गई है कि वैलिडिटी ये कार्ड में ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको यूडीआईडी कार्ड में कैपिटल पी लिख के आया, मतलब परमानेंट है आपका यूडीआईडी, आपको वापस रिन्यू नहीं करवाना, ठीक है। अगर टी लिख के आया कैपिटल टी, टी फॉर टेम्पररी, तो टेम्पररी मतलब एवरी 5 years पे आपको पूरा प्रोसेस वापस करना है, जैसे आपने फर्स्ट किया सेम टू सेम वापस वैसे ही करना है, ठीक है। और ये यूडीआईडी कार्ड तो आपके आपके घर पे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा सिंबल, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट में होगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा ये। और ये जो है ये नया फॉर्मेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। आप अभी देखो यूडीआईडी जैसे हमने ये पूरा आज का प्रोसेस समझा, वैसे ही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो नया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये यहाँ पे देखो ये सिंबल भी है स्वावलंबन वाला, तो ये सारे सिंबल्स के साथ ऐसा कुछ दिखने वाला है नया वाला, पहला ऐसा कुछ था। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इसके अंदर भी तो आप एंड में पूछ सकते हैं। और मैंने आज जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है आपके साथ, ये मैंने स्वावलंबन कार्ड gov.in से ली है, और राजस्थान का जो पोर्टल है sso.rajasthan.gov.in और रिलेवेंट मेडिकल अथॉरिटी से मैंने ये डेटा आज का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो कलेक्ट किया है। मे बी वो वेरी हो सकता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरे कंसेशंस एंड बेनिफिट टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे हेल्प करने के लिए और आपके साथ ये सब डिटेल्स शेयर करने के लिए। आई थिंक मेरा आज का ये जो एक्सप्लेनेशन था मैंने पूरा कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। बट इसके पहले मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे है ना ये वेबिनार से पहले कुछ क्वेश्चंस सेंड किए गए थे कि जब भी आपने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था ये वेबिनार के लिए, तो सबको पूछा गया था कि आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने रेडी किए हैं उनके आंसर्स, और उनमें से मैंने दो क्वेश्चंस को नहीं लिया है। एक कुछ था मेंटेनेंस का, कॉक्लियर इम्प्लांट के मेंटेनेंस के बारे में जो भी था क्वेश्चंस, वो मैंने नहीं लिए क्योंकि ये वेबिनार यूडीआईडी के लिए है। और टेंशन मत लीजिए, वो जो आपको ये क्वेश्चंस है कि कॉक्लियर इम्प्लांट या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो उसके भी वेबिनार्स हम लोग जल्दी लेके आएंगे ताकि आपको उसमें भी जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाए हम लोग। तो आज के लिए तो मैंने जो ये वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको ही लिया है, पर मैंने ट्राई किया है कि सबके सब मैं कवर कर लूँ आज। और ये मैं क्वेश्चंस एक बार रीड करूँ, उसके आंसर्स दे दूँ, फिर आप एंड में आज के वेबिनार के दौरान जो भी कुछ डाउट्स है आप एंड में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया था कि हियरिंग एड ज़रूरी है क्या अगर हमें यूडीआईडी कार्ड बनाना है। तो मैं ये ही बोलूँगी यहाँ पे कि हम लोग जब भी हॉस्पिटल्स जाते हैं चेकिंग के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, तो हियरिंग एड पहनाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम है, अगर जस्ट आपको पता चला है कि आपका ये बच्चे कोई ऐसा है तो आप चले गए तो ठीक है, बट अगर आपके पास है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लेके जाइए, पहना के जाइए बच्चे को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था, उसके अलावा कुछ ये भी एक क्वेश्चन आया है कि हाँ, इम्प्लांट में क्या क्या हेल्प मिलती है, इम्प्लांट करने में, कॉक्लियर इम्प्लांट करने में क्या हेल्प मिल रही है या कोई डोनेशंस मिल रहे हैं,
तो एज पर माई नॉलेज मुझे इतना पता है कि एक मैंने शायद आपको मे बी आपने किसी आप में से किसी ने अटेंड किया हो कि मैंने एडिप स्कीम के बारे में भी आपके साथ वेबिनार लिए थे। तो एडिप स्कीम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो भी फ्री इम्प्लांट करता है बच्चों का। बट हाँ, रिपेयरिंग अगर अगर रिपेयरिंग है, मान लीजिए आपको इम्प्लांट में कोई रिपेयरिंग है, तो वो एडिप स्कीम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये खाली क्लियर कर लीजिए। और एडिप स्कीम में भी मैंने बोला था कि हेयरिंग एड भी मिलते हैं और कॉकलियर इम्प्लांट पूरा सर्जरी भी फ्री में होता है। और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का मान लीजिए 1 लाख या ऐसा कुछ चार्जेस होगा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है मुझे। बट हाँ, कॉकलियर इम्प्लांट जो हम लोग पहनाते हैं बच्चों को, वो फ्री में मिलता है यहाँ पे। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस थे, बट मैं ऊपर ऊपर से खाली आपको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ डिटेल जानना है एडिप स्कीम के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एडिप स्कीम में मैंने खाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ शेयर करूँगी कि हियरिंग एड किसको मिलेगा, जिस जिसकी इनकम, मतलब जिसके पिताजी की इनकम जो 20,000 से कम हो, 20,000 से कम हो एक महीने में, तो उनको मिल सकता है ये हियरिंग एड। और कॉकलियर आपको इम्प्लांट करवाना है, सर्जरी करवाना है, तो जिनकी मंथली इनकम 15,000 से भी कम हो, वो ही इम्प्लांट करेगा अंडर एडिप स्कीम। हाँ, तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि आज शेयर कर दूं मैं आपको। इसके अलावा आपको पूरा डिटेल जानना हो एडिप स्कीम के बारे में, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हियरिंग इम्प्लांट के रिलेटेड अगर रिपेयरिंग हो कुछ भी, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। बट हाँ, मैंने कुछ सर्च आउट किया, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ कुछ दिखी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशंस डिसऑर्डर, ऐसे NIDCD ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी वो दे रही हो ये यहाँ पे हियरिंग एड के लिए कुछ चार्जेस। बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो वहाँ पे हो रहा है या नहीं। एज पर माई नॉलेज मुझे एडिप स्कीम के बारे में सब चीज़ें पता है, बट रिपेयरिंग का मैंने सुनने में आया है कि जनरली रिपेयरिंग के खर्च या जो भी उनके पैसे हैं या डोनेशंस हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। मतलब बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या तो मैं बोलूँ मे बी ना भी हो कोई, कि जो रिपेयरिंग के लिए डोनेशंस देते हैं। हाँ, इम्प्लांट करा रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम हो रहा है तो देते हैं, बट वो भी एक क्राइटेरिया था। शायद आप में से किसी ने अटेंड किया हो तो उनको पता होगा कि आपको बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड इम्प्लांट कराना है, तो आपको नहीं मिलेगा एडिप स्कीम में दोनों टाइम। मतलब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ठीक है, आपको मिल रहा है एडिप स्कीम में ये डोनेशंस, बट सेकेंड इम्प्लांट करवाना है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर रखिए। जो थर्ड क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है डिसेबल बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्कीम्स देखे और बहुत डिटेल्स में बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे स्कीम में। तो आपको कौन से टाइप का हेल्प चाहिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर फिर भी मैंने रैंडम कुछ लेके रखे हैं कौन कौन से स्कीम्स चल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम है, फिर नेक्स्ट जो है वो इंदिरा आवास योजना है, मतलब आपको होम लोन्स मिलते हैं बच्चों को, मतलब जिस पर बच्चे को या जो पर्सन को डिसेबिलिटी है उनको। इसके अलावा स्कीम ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पे कुछ स्कीम्स चलते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी ये चीज़ काम आ सकती है UDID। और ये कुछ स्कीम्स है जो राजस्थान में चल रहे हैं, राजीव गांधी फेलोशिप्स स्कॉलरशिप के लिए ये स्कीम चल रही है हायर एजुकेशन। और भी उसमें बहुत सारा डिटेल है, बट आज मैं अगर शेयर करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जिसको ये कुछ जानना है तो मुझे आप पर्सनल में बता सकते हैं कि क्या है। राजीव गांधी में कुछ स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं हायर एजुकेशंस में, नेशनल स्कॉलरशिप्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक ये भी स्कीम है। यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। फिर नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन दे रहे हैं किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई पर्सन डिसेबल है उनको अपने आप से कुछ रोजगार चालू करना है या कुछ बिजनेस चालू करना है, उनको 3 लाख तक का लोन मिल रहे हैं यहाँ पे। ये वाले जो स्कीम है उसके अंदर ये स्कीम थे, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलप कोऑपरेशंस।
इसके अलावा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस ये था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर पर्सन विद इन राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या मिल रहा है स्कीम्स? ये तो ऑल ओवर सेंट्रल लेवल पे थे सारे स्कीम्स, इसके अलावा खाली राजस्थान में मुझे पेंशन योजना कुछ दिखा कि 750 तक 750 रुपीस तक के पेंशंस मिलते हैं जो डिसेबल पर्सन है उसको, उसमें भी इस ये जो स्कीम है ना पेंशन स्कीम, उसको दिव्यांग पेंशन स्कीम इन राजस्थान ऐसा कुछ है उसका नाम। यहाँ पे पात्रता के लिए ये है कि अगर परिवार ये क्या है ग्रामीण में रह रहा है तो उसको कुछ 48,000 तक का अगर उसको इनकम है तो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा क्या है ये चेकिंग करेंगे। शहरी जो मतलब अर्बन एरिया है वहाँ पे रह रहे हैं उनको 60,000 तक अगर आपका इनकम है तो मिल रहा है, उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है एज पर स्कीम। और यहाँ पे ये है ना पहले ये स्कीम में पेंशन जो स्कीम है उसमें पहले बहुत पहले ऐसा कुछ था कि एज के हिसाब से पैसे मिलते थे, बट मेरे हिसाब से ये 1 जुलाई 2017 से ये स्कीम में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये जो भी डिसेबल पर्सन है उसको 750 रुपीज पर मंथ मिलता है पेंशन, तो थोड़ा सा यहाँ मे बी ये चेंज हो जाए अभी के लिए। मुझे मेरे हिसाब से मुझे इतना नॉलेज आया है यहाँ पे जानने में पेंशन योजना में। इसके अलावा जैसे स्कॉलरशिप्स है तो स्कॉलरशिप्स भी बहुत राजस्थान में चल रहे हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वराज स्वरोजगार योजना जिसमें मैंने बोला कि लोन्स मिल रहे हैं स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये भी एक राजस्थान में चल रहा है। फिर सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना ऐसा भी एक चल रहा है, मतलब मैरिज कर रहे हैं वो टाइम पे भी कुछ लोन वगैरह या तो कुछ हेल्प मिल रहा है, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं वहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स या तो कुछ हेल्प मिल रहा है 1 लाख या 50,000 तक के स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि अभी के लिए क्या है क्योंकि अभी के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है डे बाय डे। तो ये कुछ स्कीम्स थे जो राजस्थान में चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्कीम पर मैंने आज के लिए कुछ कुछ लिमिटेड स्कीम्स एक्सप्लेन किए हैं आपको, पर इसके अलावा मे भी बहुत सारे स्कीम और भी हो। आई थिंक सो एक आस्था कार्ड भी था जो मैंने सुनने में आया था कि वो भी बन रहे हैं, पर यहाँ पे आस्था कार्ड में कुछ ऐसा है कि एज पर माई नॉलेज कि एक फैमिली में दो जन को डिसेबिलिटी है और कुछ महीने के इनकम कुछ महीने नहीं सॉरी 1 ईयर का इनकम कुछ 1.5 लाख तक है तो ही आस्था कार्ड बन सकता है। और वो अगर बना लिया सपोज आप वो कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके पास है तो यहाँ पे क्या है बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो जिनको मिलते हैं जितने भी कंसेशंस या जितने भी फैसिलिटीज वो सब आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा आस्था कार्ड का यही एक मुझे नॉलेज है। इसके अलावा किसी ने पूछा है कि यूडीआईडी यहाँ पे किसी ने पूछा है कि सीएमएचओ के बोल रहे हैं कि हमें हमारा यूडीआईडी कार्ड रेसिडेंशियल एड्रेस पे मिल जाएगा, तो यही मैंने बोला कि यूडीआईडी कार्ड तो आपको रेसिडेंशियल एड्रेस पे मिलने वाला है एज पर सीएमएचओ, बट फिर भी अभी जो चल रहा है कंडीशन कोरोना जो चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि क्या है, बट हाँ एज पर रूल गवर्नमेंट सेंड कर रहे हैं परमानेंट एड्रेस पर या तो आपका जो भी एड्रेस आपने दिया है वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पे सेंड होना है। जो इसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस था कि हु आर द एलिजिबल फॉर सीएम रिलीफ फंड हेल्प, जो आपके सीएम रिलीफ फंड में क्या है, कुछ किसी ने बोला है माई डॉटर डज नॉट कम अंडर इकोनॉमिकल वीकेंड कैटेगरी इज सी एलिजिबल फॉर दिस, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी मुझे आया था, तो यही बोलूंगी इसमें कि सीएम रिलीफ फंड में कुछ दो कंडीशंस है, मतलब अगर बीपीएल मतलब पुअर बिलो पुअर्टी लाइन और नॉन बीपीएल मतलब जो पुअर्टी लाइन के ऊपर है जिनको बीपीएल 2021 के हिसाब से कौन सा 2051 के हिसाब से अभी ये ईयर में बीपीएल का लिमिट है कुछ 27,000 एनुअल या पूरा 1 ईयर में 27,000 तक का इनकम है तो वो बीपीएल में आ रहा है।
मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। अगर किसी को एनुअल इनकम 27,000 से ज़्यादा है तो वो नॉन बीपीएल में आ रहा है। तो ये जो इनका एक क्वेश्चन था कि उसमें ये है कंडीशंस कि अगर 6 ईयर्स है बच्चे का एज और एनुअल इनकम 2 लाख तक है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उन सभी लोगों को सीएम रिलीफ फंड में हेल्प मिल रही है, उन सभी को क्लियर इम्प्लांट एसेसरीज में हेल्प मिल रही है। मेरे रूल मेरे मतलब नॉलेज के हिसाब से यहाँ मुझे कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी मिले हैं जो सीएम रिलीफ फंड में जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी खाली ये नाम, आप चेक कर लीजिए कि ये सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं या नहीं। बट एज़ पर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर है कि उस हिसाब से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर वो कर रहा है, फिर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में है वो कर रहा है, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर है, फिर महाराणा भुलाप राजकीय हॉस्पिटल है उदयपुर में, तो ये है। फिर एक इसके अलावा महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल है कोटा में, जवाहरलाल नेहरू है अजमेर में, और ये सारे जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी वहाँ पे हो रहे हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मे बी पुराना भी हो या तो चेंज हो चुका है अभी के लिए, तो आप खाली कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है या नहीं। हाँ, इसके अलावा एक पेंशन का जो क्वेश्चन था दिव्यांगजन को पेंशन स्कीम का, वो मैंने बता दिया है। उसके अलावा किसी ने पूछा था कि रेलवे पास और रोडवे पास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का वेबिनार है यूडीआईडी का था, ठीक है, तो हमें यूडीआईडी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बट हाँ रेलवे और रोडवेज में क्या कंसेशंस मिल रहे, उनका सारा प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे करेंगे, कौन से दिन जाना है, कहाँ जाना है, वो पूरा वेबिनार हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग टैक्स, जो इनकम टैक्स है, वहाँ पे हमें हमारे बच्चे को ये है तो हमें कितना उसमें कंसेशंस मिल सकते हैं इनकम टैक्स में, वो सारा डिटेल्स हम लोग जल्दी लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना है। इसके अलावा किसी ने पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशंस 3% होते हैं, तो किसी ने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चंस कि उनको ये दिख रहा है कि 42 कुछ 60 के बीच में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया था मुझे। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो गवर्नमेंट जॉब में 3% रिजर्वेशंस होते हैं, 3% सीट्स रिजर्व, मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा 3% हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को या हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को ही मिल रहा है। देखिए 3% में डाइवर्जन हुआ है, फर्स्ट 1% है ब्लाइंडनेस, या तो जिसको लो विजन आ रहा है मतलब कम दिखाई दे रहा है, उनके लिए एक रिजर्वेशन रखा गया है 1% का। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 1% रखा गया है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर सेलेबल पॉलिसी के लिए 1% रखा गया है, मतलब 3% ऐसे डिवाइड हुआ है। अगर आप देखो तो हमारे लिए हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए 1% का ही रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में। तो ये ए बी सी और डी तीनों चारों के चारों टाइप के पोस्ट के लिए है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए। और जैसे कि जिसका क्वेश्चन था कि 42-60 के बीच में अगर है लॉस और उनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है कि 40-60% बीच में आ रहा है तो ही अप्लाई कर पाएंगे, 100% है तो क्यों नहीं अप्लाई कर, क्योंकि वो सुन रहे हैं बराबर से, उनका इम्प्लांट हो चुका है। बट हाँ मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो मिनिमम लिमिट है 40%, ठीक है, और मैक्सिमम है ना वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट जॉब के टाइप के ऊपर, मतलब कौन से टाइप का गवर्नमेंट जॉब यहाँ है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ है कि आर्मी में अगर किसी को जाना है ना तो 55% अप्रोक्स दिया है, पर ऐसा नहीं है कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए रूल है, ये एक्चुअली 3% जो है ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयर्ड है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो ये तीनों डिसेबिलिटी को मिला के समझाया है कि ये है, मतलब हियरिंग के लिए मे बी वेरी करेगा परसेंटेज उसका, ठीक है, मैक्सिमम परसेंट, मिनिमम 40% है, पर मैक्सिमम क्या है वो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वेशन सबके लिए है, तो आपको चेक करना है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कि आपको वो टाइप के जॉब में कितना परसेंट मैक्सिमम लिमिट है,
और कुछ नेक्स्ट आई थिंक सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मुझे कुछ किसी ने ये भी पूछा था कि यूडीआईडी कार्ड आरटीई में अगर एडमिशन लेना है, राइट टू एजुकेशन में, तो यूडीआईडी लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी के लिए, अभी जो नया फॉर्मेट आ चुका है वहाँ पे यूडीआईडी कंपलसरी है। जहाँ पर भी आपको कंसेशंस चाहिए या फिर अंडर आरटीई एडमिशंस कराने या फिर आपको एडिप स्कीम में कुछ कंसेशंस चाहिए या बेनिफिट्स चाहिए आपको उसमें, तो सब जगह यूडीआईडी लगेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यस है कि आरटीई में आपको लगेगा यूडीआईडी। फिर नेक्स्ट जो था कि किसी ने पूछा है कि स्वावलंबन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट है और राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसमें डिफरेंस क्या है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने देखा है यहाँ कि जनरली हर एक स्टेट में स्वावलंबन से हो रहा है यूडीआईडी का रजिस्ट्रेशन, बट राजस्थान का थोड़ा सा अलग है। पर मैंने देखी है चीज़ें कि हाँ, स्टेट के जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो मर्ज की गई है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपका डेटा एनी हाउ जा रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, बट थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट, समझ रहे। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यूडीआईडी के टाइम पे। और दूसरे में तो आप देख सकते हैं इजीली कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं सेंट्रल में और राजस्थान में। जॉब के केस में भी आपको पता है कि सेंट्रल में क्या डिफरेंस होते हैं और स्टेट वाइज क्या होता है। यहाँ पे सेकंड है कि हाउ आई हैव अ डिसेबिलिटी बट हाउ टू अप्लाई फॉर कार्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कवर हो चुका है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है यूडीआईडी कैसे अप्लाई होना है। फिर किसी ने पूछा है कि बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट सेक्टर्स में और एजुकेशंस में, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से स्कीम्स चल रहे हैं, कौन कौन से जगह पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं एजुकेशंस में। और पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो आई थिंक ये आज का दिन कम हो जाना है, बट हाँ ऊपर ऊपर से मैंने समझाया है कि क्या है। इसके अलावा किसी और का भी सेम क्वेश्चन था कि हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप फाइनेंस हेल्प का क्या क्या ये स्कीम्स चल रहे हैं, ये भी मैंने यही कवर कर लिया है आई थिंक सो। तो ये इसके अलावा जो भी कंसेशंस है, किसी एक ने पूछे थे कि कौन कौन से कंसेशंस मिलते हैं हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चों को खाली डिटेल में नहीं जाऊंगी आज में, बट हाँ ऊपर से हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे अडिप स्कीम था उसके अंदर हम लोग फ्री इम्प्लांट करवा रहे हैं या फिर फ्री हियरिंग एड ले रहे हैं। फिर हम लोग सेकंड जो था ये आरटी था, राइट टू एजुकेशन, के हम लोग स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आरटी। उसके बाद हमारा कंसेशंस के ऊपर पूरा जाना है कि कंसेशंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो एक तो बहुत सारे बोर्ड्स है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड्स है, बहुत सारे बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स से रिलेटेड सारा भी डाउट, मतलब सारे बोर्ड्स उसका प्रोसेस, उसमें कितना परसेंट कंसेशंस, क्या क्या कंसेशंस, वो सारा वेबिनार हम लोग सीरीज बाय सीरीज लेके आ रहे हैं। ये यूडीआईडी का सीरीज के बाद हम लोग टैक्स का, रोड का, रेलवेज में क्या क्या है, फिर उसके बाद सारे ये बोर्ड्स में क्या क्या कंसेशंस मिल रहे हैं, हम लोग वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है, ठीक है। तो ये तो सारा कंसेशन से रिलेटेड था, क्या क्या मिल रहे हैं हमारे बच्चों को। और ये आज जितने भी मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्वेश्चंस मिले हैं आई थिंक सो मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं, और अगर कोई छूट गया है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम बचा है, ठीक है ना। जिग्ना, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ूं आपके लिए। ये अर्जुन व्यास जी पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का लास्ट ईयर है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है, तो क्या यूडीआईडी के लिए मेरी बेटी का लास्ट ईयर ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है तो क्या यूडीआईडी के लिए अलग से अप्लाई करना होगा या अपने आप ही डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। आपको यूडीआईडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शायद ये 1 ईयर पहले बनाया था, तो आपको ये जो मैंने विंडो शेयर किया था वो स्टेटस दिखा रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ आपको दिख रहा है आपका जो भामाशाह आईडी या आप स्वैप नंबर डाल रहे हैं, तब आपको क्या स्टेटस दिखा रहा है, आपका यूडीआईडी इश्यूड हो चुका है वो स्टेटस दिखा रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 ईयर पहले अगर आपने लिया है तो वो टाइम पे आ चुका था यूडीआईडी, ठीक है ना। तो आपने डायग्नोसिस करवाया
आया होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए ई मित्र पे जाके कि आपका स्टेटस क्या दिख रहा है, इश्यू हो चुका है और आपको मिला नहीं, ऐसा कुछ है या आपको वापस करना है, क्या दिखा क्या रहा है आप चेक कर लीजिए, फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आगे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। यहाँ पे कुछ अर्जुन ने भी कुछ बोले हैं कि सीएमओ में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि अभी अंडर प्रोसेस है। हाँ, तो वो अभी एक्चुअली क्या चल रहा है, बहुत टाइम ले रही है चीजें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी वो लोग बिजी हैं ये सब चीजों में, तो प्रोसेस स्लो चल रहे हैं। सब ऐसा नहीं है राजस्थान में ही हो रहा है, हर एक स्टेट में बहुत स्लो चल रहा है। तो आप और मेरे हिसाब से आप घड़ी घड़ी यहाँ पे ना जाके आप डायरेक्ट स्टेटस चेक कर लीजिए आपका, ताकि आपको वहाँ जाने का टाइम बच जाए। आपने मैंने बताया ना आपको वो स्टेटस कैसे चेक करते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि इश्यू हुआ है या नहीं। मैम मुझे ये जानना है, मेरे बेटे का ना यूनिक आईडी बन चुका है, तो यूपी में ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ मैं उसके लिए अभी अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज वो अभी 5 साल का है। ओके, तो देखिए स्कूल के, मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्कूल के लिए आप कौन से एरिया में जा रहे हैं, और आपको आरटी थ्रू एडमिशन लेना है या फिर आप डायरेक्ट ले रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत सारे यूपी में स्कूल्स हैं, तो और एक और भी चीज़ है कि ऐसे स्कूल में लेना चाहिए मेरे हिसाब से जहाँ पे ऐसे बच्चे भी हो, मतलब दूसरे तो हो ही है जैसे नॉर्मल स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग में सब बच्चे हैं, बट कोई कोई ऐसे तो वो स्कूल वाले है ना ज्यादा समझते हैं अपने बच्चों को। ऑब्वियसली मेरा यही आंसर रहेगा कि ऐसे स्कूल में नहीं, स्पेशल स्कूल के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। तो यही है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन से एरिया में आप जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा यूपी में स्कूल्स। यस मैम, मैम एक्चुअली क्या है मेरे नॉन में तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है। नहीं, बट आपने शिफ्टिंग नहीं किया है ना अभी, आप अभी राजस्थान में है या यूपी में है आप? यूपी में हूँ मैम। ओके, तो अभी आगरा। ओके, यूपी में आप आगरा में, तो वहाँ पे भी मैं एक्चुअली मुझे स्कूल के सारे नाम या तो वहाँ के ऑन द स्पॉट नहीं अभी पता है, तो मैं चेक करके आपको बता सकते हैं कि क्या है, कौन सा स्कूल अच्छा है, और अपने हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो कि मैं कुछ स्कूल का नाम बोलूँ और बहुत दूर हो, तो नहीं पॉसिबल होगा आपके लिए। यस मैम, क्या सर्च करने के लिए क्या डालना होगा मैम? क्या सर्च करना है आपको मैम? स्कूल मेन आप कह रहे हैं ना, जो मेन स्ट्रीम वाले स्कूल होते हैं उनके लिए क्या सर्चिंग डालना होगा कि ऐसे एरिया में? आप सपोज आगरा में रह रहे हैं, तो आपका जो भी नियर बाई, जो आप जो पर्टिकुलर जो एरिया में रह रहे हैं वो एरिया का नाम डाल के नियर बाई स्कूल, ऑल द स्कूल्स नियर इन, या तो इन द, मान लीजिए जो भी एरिया है जोधपुर में या कोई एक एरिया है, तो वो एरिया का नाम डाल के आप सर्च कर सकते, तो बहुत सारे स्कूल्स आ जाएंगे, उनके रेटिंग्स आ जाएंगे, तो आपको रैंडम आइडिया आ जाएगा ना कि ये स्कूल्स यहाँ अच्छे हैं। ओके मैम। मैम मेरा उदयपुर से स्पर्श सत्रावल का बना हुआ है, यूडीआईडी के लिए क्या करना होगा? आपका क्या बना हुआ है अभी? हियरिंग एड का सर्टिफिकेट बना हुआ है, लॉस 90% लॉस का। हाँ, तो अभी बनाया है या बहुत पहले बनाया? 17 में 1/5/17 2017। हाँ, तो आपको वापस बनाना होगा क्योंकि वो शायद वो एक्सपायर हो चुका होगा, 5 साल ही वैलिडिटी रहता है ना जनरली। राजस्थान में क्या परमानेंट बनता है? नहीं, ऐसा हर एक के केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर परमानेंट है फिर भी अभी है ना एक्चुअली फॉर्मेट चेंज हो चुका है, समझ रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए आपके पास परमानेंट है और सपोज है परमानेंट, फिर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने, आपने देखा होगा मैंने दोनों शेयर किए थे, पहले के फॉर्मेट दिखाया आपको और नया फॉर्मेट दिखाया, तो अब सब जगह नया फॉर्मेट चाहिए सबको, आपको जो भी कंसेशन चाहिए सबको नए फॉर्मेट में चाहिए। वापस वहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम, आपने ये पूरा अटेंड किया ना ये आज का वेबिनार? हाँ, थोड़ा लेट अटेंड, आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो यही मैंने स्टार्टिंग में ई मित्र और भामाशाह जो आईडी है वो उसका यूज करके आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर देना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है, या और सेकंड जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सब आपको अटैच कर देंगे, और फिर जो पूरा आपने फॉर्म फिल किया उसका जेरॉक्स लेके आपको हॉस्पिटल जाना है। ई मित्र से कराना पड़ेगा ना?
हाँ ई मित्र से आपको करना है। जिग्ना, हमारे पास एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है जो कि उन्होंने ई मित्र से बनाया है, तो अभी उसे यूडीआईडी बनाने के लिए क्या करें? आपको सर्टिफिकेट को यूडीआईडी नहीं करेंगे, आपको यूडीआईडी, देखिए यूडीआईडी अलग है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलग है, आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी आपने बनाया है तो आपको क्या, और कौन से ईयर में बनाया ये चीज आपने? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अनुराग प्रजापति है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके मैम, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई है, मैंने उसका जो सर्टिफिकेट ई मित्र से बनवाया था काफी समय पहले, कम से कम 4-5 साल हो गए मैम, तो मैम उसे यूडीआईडी में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ और उसके कम से कम 70-80% का बनवाना चाहता हूँ मैम। तो मैंने ई मित्र से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपका जो SMS हॉस्पिटल है जयपुर, वहाँ कॉन्टेक्ट करें आप। बराबर है, क्योंकि आपको क्या करना है, ई मित्र पे वापस आप जाएंगे, ठीक है? और मैंने जो प्रोसेस समझाया ना, न्यू रजिस्ट्रेशन वाली स्टार्टिंग से एंड तक सबमिट किया तब तक, वो पूरा प्रोसेस कर दीजिए आप, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसके प्रिंट और विथ ये फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं, और सबका प्रिंट लेके फिर आप SMS में जाइए। SMS में आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, ये फिल करके और वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ताकि आपका सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो मैम वो पहले ऑनलाइन जो मेरा जो ऑनलाइन मैम चढ़ा हुआ है ना, ये ऑनलाइन जो गवर्नमेंट पे चढ़ा हुआ है मैम 40% का, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आपका 40% का ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, तो मैम हमने वो ऐसे जल्दबाजी में बनवा लिया था 4-5 साल पहले। नहीं, आप है ना एक काम कीजिए कि आपके पास सपोज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, तो आपके पास देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पुराना अटैच करना कंपलसरी नहीं है, मे बी, और पर्सन को क्या है डिसेबिलिटी वेरी करता है, थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज होता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हैं ना, जैसे जिनके पास नहीं है वो कैसे पूरा फिल करते हैं फर्स्ट टाइम, वैसे आप फिल कर लीजिए, वापस डायग्नोसिस कराइए SMS में, मे बी 40% से कुछ चेंज हुआ हो, या आपने घाई घाई में 40 लिख दिया और गड़बड़ वाला हो चुका है, तो आप पुराना डिसेबिलिटी अपलोड मत कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए ताकि वहां पे वो लोग चेक करेंगे, अगर 40 के अगर नीचे जा रही है तो नहीं बनेगा यूडीआईडी, पर अगर डिसेबिलिटी 40 से ज्यादा है तो ये बन जाना है यूडीआईडी, ठीक है ना? ओके मैम, मेरे बच्चे का अभी इम्प्लांट हुआ था, तो मैम मैं ये यूडीआईडी बनवाना है, तो उसके मैम पहले 80 dB से अबोव लॉस था, तो ऐसे इम्प्लांट होने के बाद ऐसे थोड़ी होगा भाई 40% वाला ही बनेगा या फिर वही 80 dB वाला 80% वाला बन जाएगा? कितना लॉस था? 80 dB, 80 dB अबोव। 60 dB या 60 dB से ज्यादा का लॉस होना चाहिए, ठीक है? 80 dB था मैम, सॉरी 80 dB था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मतलब रूल के हिसाब से 60 और 60 से ज्यादा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम इम्प्लांट हो गया उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा? ना ना, मैं आप है ना ये समझिए कि यहाँ पे मिनिमम बाउंड्री दी है 60 dB और उससे ज्यादा, तो आप उससे ज्यादा में आ रहे हैं, 80 मतलब क्या है, 60 से ज्यादा आ रहा है मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। जिग्ना, एक पेरेंट ने यहाँ पर बहुत लेट ज्वाइन किया, उन्हें आवाज भी नहीं गई थी, एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे कि यूडीआईडी क्या होता है? हमने तो कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया है इन्होंने कभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग, आई थिंक उनको आप पूछ सकते हो, बेरोज मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है अनम्यूट करने। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि ये हमने तो कोई ये सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया, 2016 में करवाया था इसका ये कोक्रियर इम्प्लांट वाला ऑपरेशन। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं अप्लाई, जैसे शायद आपको अभी आवाज आ रही है ना आपको कम्प्लीटली? हाँ, पहले वही ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं, तो करना नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, आप है ना मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया, आप हमारा ये जो आज का वेबिनार है हमने यूट्यूब पे भी हम लोग डालते हैं और फेसबुक पे भी रहता है, आप वापस वहाँ जाके सुन सकते हैं, हम मैंने आज क्या शेयर किया है,
और यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट है तो मैं इतना बताऊंगी कि आपके पास भामाशाह आईडी होगा, ठीक है। वहां से आप जाएंगे, आप ई मित्र पे लॉग इन करेंगे, ई मित्र से आपको एक पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। ई मित्र पे जैसे ही जाएंगे आपको एक फॉर्म खुलेगा, ये पूरा पर्सनल डिटेल्स बहुत सारा मैंने आज एक्सप्लेन किया है वहाँ पे कि पर्सनल डिटेल्स आपको भर देने हैं, आपका एड्रेस डाल देना है, आपके अगर डिसेबिलिटी आपका पहले नहीं बना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, डिसेबिलिटी अपलोड नहीं करना है। आपके पास ये क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और वो भी एक सैंपल मैंने आज शेयर किया था कि कैसा दिखेगा वो, और उसका भी एक स्टैम्प वगैरह सब लेके, साइन वगैरह लेके आप उनका जो अधिकारी है उनका, और वो आप अपलोड कर दीजिए। और ये सब पूरा फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट का बटन दबा रहे हैं, ठीक है। ये SSO ID पे जाना है सब चीज करने के लिए। तो जैसे ही आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आपको पूरा फॉर्म का डाउनलोड ले लेना है। और कैसे लेना है वो भी मैंने समझाया था, आप YouTube पे देख सकते हैं कि कैसे वो डाउनलोड करना है फॉर्म। और ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किए थे वो, और ये फॉर्म, ये सब डॉक्यूमेंट सब लेके आपको अपने नियर बाय सिविल हॉस्पिटल जाना है, और वहाँ पे आपके बच्चे को चेक करेंगे वो लोग। और वो अगर 40% और उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी होगी तो उनको UDID के लिए मान्य माना जाएगा। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये हमारा जो हॉस्पिटल है वो इश्यू करता है, और ये आपको स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आप ई मित्र पे जाके कि कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुँचा है। और इसके अलावा अगर आपको UDID के लिए भी आपने अप्लाई, साथ में दोनों के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप UDID आपके घर पे पहुँचेगा, आपको सेंड हो जाना है, मतलब पोस्ट से पहुंच जाना है। तो आपको UDID तो घर पे पहुंच रहेगा, पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिल जाना है, और उसका सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो ई मित्र से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ UDID से फायदा क्या है। हाँ, UDID आपके बच्चा 10th में आया, आपको बोर्ड में कंसेशन चाहिए, 12th में आया वहाँ चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको जहाँ पे भी कंसेशन चाहिए, या अंडर हैंडीकेप कोटा में आपको कहीं एडमिशन्स करवाना है, RTE थ्रू आपको स्कूल में एडमिशन्स करवाना, ये सब जगह UDID कार्ड लगेगा। जहाँ जहाँ आपको कंसेशन चाहिए वहाँ वहाँ UDID आपको देना है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। ये आई का फॉर्मेट था ना, ये जो UDID के लिए है वो ये मेल कर दीजिए या फिर आपके फेसबुक पेज पे अपलोड कर देना मैम ये फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? आई का, इनकम सर्टिफिकेट का। हाँ, जो बनवाना है। हाँ। हम लोग ये जो है ना हम लोग अपलोड करेंगे ना सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैं डाल देती हूँ आई कर का। हाँ, जो भी वो फॉर्मेट अवेलेबल मिलेगा नहीं जल्दी से। थैंक यू, ठीक है, मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक, रिग्नाज आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और अगर कोई पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं हो तो हम आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। थैंक यू जिग्ना, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम और इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।